स्वागत है आपका ब्लॉगआउट की दुनिया में और मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके फेस पर झाइयां आ गई है या फिर काले कलर के निशान आपके फेस पर आ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स आपके फेस पर हो रहे हैं, तो आप किस तरह से इन्हें दूर कर सकते हैं, वो भी घर की ही चीजों से। कई बार क्या होता है, अगर हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, मार्केट से अलग अलग टाइप की क्रीम लाते हैं, तो बहुत सारी क्रीम की वजह से हमारे चेहरे पर कई बार दाग के निशान आ जाते हैं। कई बार ये दाग के निशान हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डलनेस आपके फेस पर आ रही है, काली काली निशान अगर आपके फेस पर आ रहे हैं, तो आप किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत ही छोटी सी तीन चीजों का प्रयोग करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह की तीन चीजों के प्रयोग से मैं आपको नाइट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। और उस नाइट क्रीम के प्रयोग से जो आपके फेस पर काले कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं या फिर आपके जो फेस पर जैसे झाइयों जैसे निशान, कई लोगों को रेडनेस भी फेस पर आ जाती है और इवन स्किन हो जाती है, कहीं पर वाइट कहीं पर ब्लैक, इस तरह की स्किन भी अगर आपकी हो रही है, तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं आपको एक नाइट क्रीम भी बोल सकते हैं जिससे आप बनाना बताऊंगी। लेकिन मैं जो चीजों का प्रयोग कर रही हूँ वो बिल्कुल नेचुरल है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा, ये घर का एलोवेरा है, मुझे सूट करता है। अगर आपको घर का एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का एलोवेरा जेल मिलते हैं, आप उनका प्रयोग कीजिए। लेकिन मुझे घर का एलोवेरा बहुत ज्यादा सूट करता है, इसलिए मैं इसी का ही प्रयोग करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है पोटैटो, ये स्किन को जो स्किन पर डार्कनेस आ रही है उसे लाइट करता है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी ब्लीचिंग का काम करता है, तो आपकी जो स्किन में वाइटनिंग प्रोवाइड करता है, अगर आपको झाइयां आ रही है तो धीरे धीरे उन्हें कम करता है, इस तरह से ये आपकी स्किन जो आपकी स्किन है उस पर वर्क करता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। अगर आप विटामिन ई का प्रयोग करते हैं तो आपको स्किन संबंधित बहुत सारी समस्याओं से आराम मिलता है। बहुत सारे सीरम भी आते हैं विटामिन ई के, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ों का प्रयोग करती हूँ वो बहुत ही ईजी होती है और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है, क्योंकि मुझे घर का भी ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ मेरी बच्ची है, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं रखती हूँ, छोटी सी प्रोसेस के साथ अपनी स्किन की केयर करती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये क्रीम आपको रेडी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एलोवेरा को अच्छे से छील लेंगे। मैंने एलोवेरा को यूज़ करने के कम 1.5 से 2 घंटे पहले इसे पेड़ से निकाल लिया था। एलोवेरा में एक येलो कलर का एक पदार्थ निकलता है, वो आपकी स्किन और आपके लिए हार्मफुल होता है, इसलिए आप कम से कम 1 से 2 घंटे पहले इसे निकाल लें और इसे रखा रहने दें, जिससे कि ये आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाए। इस तरह से ये मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर अब मैं जेल का प्रयोग करूँगी, चम्मच की मदद से ये मैंने जेल ले लिया है। अगर आप मार्केट वाला जेल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो वो आपको थोड़ी ज़्यादा समय चलता है, लेकिन अगर आप ये क्रीम 2 से 3 दिन तक ईजिली बना कर रख सकते हैं, फ्रिज में आप इसको स्टोर करके रखिए और आप इस क्रीम को 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये एलोवेरा का जेल जो है निकाल लिया है। अभी मैं आपको कर बता रही हूँ कि किस तरह से ये एलोवेरा का जेल मैंने निकाल लिया है। इसके बाद जो है, अब मैं यहाँ पर पोटैटो को किस लूँगी अच्छे से। इसको किस कर मैं इसका जो रस होगा उसको निकाल कर इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है, छिलके सहित मैं इसको किस रही हूँ। और इसके बाद इसको अच्छे से किसने के बाद इसका रस मैं छन्नी से निकाल दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक छोटा पोटैटो लिया है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर कम क्वांटिटी में लिया है। आप इसको 2 से 3 दिन के लिए भी बना सकते हैं और इजीली अपने फ्रीजर में रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने ये जो पोटैटो है उसका रस निकाल लिया है अच्छे से। अब इसको मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ पर इसे मैं 2 से 3 चम्मच ऐड कर दूंगी।
यहाँ पे इसको एलोवेरा जेल के साथ आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें घर का एलोवेरा सूट नहीं करता है, ये भी पता होना ज़रूरी है कि आपके घर में किस कौन सा एलोवेरा लगा है। जो लगा है वो आपके स्किन के लिए, आपके स्किन पर वर्क कर रहा है कि नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रात के समय अगर आप इसे लगाते हैं तो ये आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ पर एक कैप्सूल को मैं ऐड कर रही हूँ इस तरह से। स्लिपरी हो रहा है ये, इसको ऐड, ये पूरा एक कैप्सूल मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको मैं बहुत ही अच्छे से मैश कर दूंगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इन तीनों चीजों को ऐड किया है और ये पेस्ट तैयार कर लिया है जिसे मैं रात के समय यूज करूंगी। और ये जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जितनी भी झाइयाँ आ रही है या फिर आपके चेहरे पर ऑड इवन स्किन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम का हल करता है। सिर्फ तीन चीज़ों को हमने यहाँ पर लिया है, ये तीनों चीज़ें आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग का काम करेंगी। आलू होता है वो आपकी स्किन को लाइटनिंग का काम करता है, लाइट करता है, साथ ही साथ आलू आपकी स्किन को टाइट भी करता है। और अगर आपके चेहरे पर किसी तरह के पिंपल की परेशानी हो रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, तो ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर झाइयों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपके फेस पर झाइयाँ ना हो। तो आप इसको रात को सोते समय भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो मार्केट से भी आप जो एलोवेरा जेल होते हैं, काफ़ी सिंपल प्रोसेस हो जाती है, एलोवेरा जेल को आप इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा जेल लाकर रख लीजिए और उसमें इन तीनों चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करना है आपको और अपने फेस पर लगा लेना है। पर याद रखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप कुछ भी चीज़ अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो इसके पहले आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश करना होता है ताकि आपके फेस पर किसी भी तरह की अगर गंदगी जमी हो तो पहले वो गंदगी निकल जाए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, अगर आपके फेस पर पहले से गंदगी होगी तो वो चीज़ आपके फेस पर असर नहीं दिखाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, बाय बाय।